गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6। बच्चों ए में आप लोग को सिर्फ अभी बताऊंगी और करवाऊंगी, वैसे ही आप लोग को करना है। बच्चों फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैंने इंडिया लेटर राइटिंग सिखवाया था, ये टाइपोग्राफी है वो ऐसे ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, स्केल की मदद से ए बी सी डी आप लोग को जेड तक का टाइपोग्राफी करना है। देखो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देखो कहाँ से कहाँ आता है, तो फोर लाइन की बुक में हम लोग करते हैं वैसा, थोड़ी क्रॉस लाइन की ऊपर नीचे से, फिर ऊपर की साइड पे थोड़ा खींचा, फिर से क्रॉस लाइन की और बीच के अंदर ए वाला यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बराबर बच्चों, ए बन गया हमारा ए। ए बनाने के लिए ए हम लोग ने यहाँ से ए वाला कंप्लीट कर दिया। बराबर बच्चों, देखो एक अच्छी तरह से देख लेना है, अंदर का भाग पतला होगा तो बाहर का थोड़ा जाड़ा। अन ए वाली लाइनिंग, ए जो लाइनिंग है वो अंदर से लेनी है सेकंड लाइन से, और जो बाहर की लाइनें है वो ऊपर से लेनी है। ऐसी फोर लाइन आती है तो अंदर की लाइन ए बनाने के लिए ऐसे लेनी है और बाहर की लाइन ए यहाँ से लेनी है। तो ए वाला जो पार्ट होगा वो हम लोग को रफ करना है। देखो ऐसे ए वाला रफ करना है, ए वाला रफ करने से ऐसा बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखो ए वाला यहाँ पे स्केल की मदद से छोटा बड़ा करके करना है। ए बन गया हमारा ए। वैसे ही आप लोग को फुल ए बी सी डी आप लोग को मालूम है कैसे करना है कैसे नहीं, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके अच्छी तरह से लाना है। देखो बच्चों ए ए कंप्लीट हो गया हमारा, फिर बनाना है बी। बी के लिए इजी है, यहाँ पे आधा ही लेना है और फिर ऊपर की साइड से यहाँ पे जॉइंट करना है। यहाँ पे ए वाला कंप्लीट करना है और यहाँ पे बनाना है। बराबर बच्चों, अच्छी तरह से देख लो और बाद में कंप्लीट करके दो। स्टे होम स्टे सेफ।